आप सभी का स्वागत है ओम क्लासेस बुंड्री में। और आज हम करेंगे कक्षा 9 का 3.3 निर्देशांक ज्यामिति। जैसे कि पहले हमने 3.1 और 3.2 किया था, यहाँ नाम से ही जाहिर है निर्देशांक ज्यामिति, यानी ज्यामिति द्वारा निर्देशों को देना। आप पृथ्वी पर लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई में कहीं पर कोई वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसे आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से आप उसकी लोकेशन करेंगे, किस पर लोकेट कैसे करेंगे, उसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, वो हमें सिखाती है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ हम करेंगे जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जो नीचे की ओर होता है, उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स और एक्स डैश से इसको अंकित करते हैं, और जो आपका लंबवत होता है उसे कहते हैं वाई अक्ष, और इसे वाई और वाई डैश से दर्शाते हैं। जहाँ पर दोनों निर्देशांक दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु अर्थात 0, 0, अर्थात जहाँ से हम वस्तु की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, जहाँ से वस्तु की स्थिति हम ज्ञात करना चाहते हैं, उसे हम ये बिंदु मानेंगे। हर एक स्थिति के अनुसार ये बिंदु अलग अलग होगा। यहाँ हम नौवीं कक्षा में केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे, और उनमें एक्स अक्ष को हम पहले दिखाएंगे, एक्स अक्ष को जब भी हम दर्शाएंगे एक्स अक्ष पहले दर्शाएंगे और फिर वाई अक्ष का जो बिंदु है वो दर्शाएंगे। एक्स अक्ष का जो बिंदु है उसे हम भुज कहेंगे और वाई अक्ष के बिंदु को हम कोटि कहेंगे, इस प्रकार से इनको दर्शाएंगे। अभी प्रश्नावली 3.3 हमने करनी है, 3.1 और 2 हमारी हो चुकी थी। 3.3 में पहला प्रश्न आपके पास जो है वो है, किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1 और -1, 0, 1, 2 -1, 0 और 1, 2 ये बिंदु कहाँ पर हैं? एक है -3 और -5, ये बताना है कि किस चतुर्थांश में है और इनकी लोकेशन भी हमें दर्शानी है। तो देखो, हमारा पहला उद्देश्य यही है कि x और y दोनों अक्षों को दर्शाना, y अक्ष नीचे की ओर लंबवत दंडवत जो होगा y अक्ष होगा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा x अक्ष, ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। जहाँ मूल बिंदु है उसके दाईं ओर प्लस के लेंगे, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 5 तक है, तो 5 तक रखेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5। बाईं ओर माइनस का 1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर की ओर +1, +2, +3, +4, +5। सबकी दूरियां बराबर रहेंगी। यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5। इस प्रकार से इसे हम दर्शाएंगे। ये सारी दूरियां बराबर होंगी। जो हमारा ग्राफ होता है, जैसे ग्राफ में सारी दूरियां बराबर होती है, इस प्रकार से इन सभी दूरियों को हम दर्शाएंगे। तो यहाँ ये जो पूरा स्पेस है इसे 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। 4 हिस्से हो गए। पहला क्वेश्चन है -2 और 4, एक्स की वैल्यू -2, एक्स आपके पास यहाँ पर है, -1, -2 यहाँ पर आ गया, और वाई क्या है 4, वाई है प्लस का 4, 1, 2, 3, 4, यानी वाई तो यहाँ पर है और एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पर भी प्रतिच्छेदित करती हैं। दोनों रेखाएं एक्स वाला इस प्रकार चलेगा,
वायुवाल इस प्रकार चलेगा, दोनों एक दूसरे को जहां भी प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु आपका आ जाएगा -2, 4, ये बिंदु आ गया आपका -2, 4 का, ये दर्शा दिया। अब ये किस भाग में है, ये है द्वितीय चतुर्थांश में, आंसर आएगा द्वितीय, दह के पैरों में पूरा वह द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश ये आ गया आपके पास। एक्स का 3 वाई का -1, एक्स का +3 वाई का -1, दोनों की स्थिति कहाँ बनती है, यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक्स का 3 और वाई का -1, ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से आपने इसको दर्शा दिया 3 और -1, फिर एक्स का -1 वाई का 0, एक्स में चलेंगे -1 के पास और वाई में 0, वाई का 0 कहाँ पर है, यहीं पर है, ऊपर प्लस का 1 नीचे -1, वाई का 0 यहीं पर है, केवल एक्स की वैल्यू -1 है तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक्स का -1 और वाई का 0। अब ये जो है द्वितीय और तृतीय दोनों चतुर्थांशों के बीच में है, तो ये हमारी एक्स अक्ष के ऊपर रेखा होगी, ये बिंदु जो है हमारा एक्स अक्ष के ऊपर होगा, न तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, न तृतीय में, न चतुर्थ में, ना पहले प्रथम में, तो ये एक्स अक्ष के ऊपर ये बिंदु हमारा लाई करता है, उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, इसे बोल लेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक्स का 1 वाई का 2, एक्स का +1 वाई का +2, दोनों की सीधे एक दूसरे को काटती है यहाँ पर, एक्स का 1 वाई का 2, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हम इसे दर्शा देंगे। अगला है एक्स का -3 वाई का -5, एक्स का चलेगा -3 वाई का चलेगा -5, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, जहाँ भी काटेंगे यहाँ काटते हैं, एक्स का -3 वाई का -5, यह है आपका तृतीय चतुर्थांश। तो ये था प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 3.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दी गई सारणी के दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, इनको भी आलेखित करना है। ये आपका तल है एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस पर हमें बिंदुओं को दर्शाना है, इसी प्रकार से एक्स और वाई अक्ष खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वो आएगा आपका मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, और सारणी में दिए आपके -2, 8 एक्स वाई, यहाँ -2, यहाँ 8। नेक्स्ट है एक्स का -1 वाई का 7, -1, 7, 0 -0.25 1.25। उसके बाद है एक्स का 1 वाई का 3 1, 3 और 3 -1 3 -1 दर्शाते हैं इसको। ये आपको सारणी दे रखी है, इस प्रकार से बनाई है सारणी और इनको भागों में बांट दिया गया है। कहाँ तक गया है, सबसे बड़ी वैल्यू है 8, तो 8 तक लेके जाएंगे इसको, प्लस का 8 है, 5 के बाद 6, फिर 7 और फिर 8, एक्स का -2 और वाई का 8, एक्स में चले गए, वाई को भी 8 तक लेके चलो, 5 के बाद 6, 7, 8, ये दूरियाँ सभी बराबर होनी चाहिए, जितनी दूरी 1 की है उतनी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। तो देखिए एक्स का -2, एक्स में चले गए -2 के पास और वाई में चले गए 8 के पास, वाई में चले जाएंगे एक्स का -2, वाई का 8 ऊपर की ओर है ना, इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, वाई का -8 इधर आएगा, जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो आपका बिंदु आ जाएगा एक्स का -2 और वाई का 8, ये आपने दर्शा दिया। एक्स का -1 वाई का 7, एक्स का -1 ये बिंदु आ गया, क्योंकि उस तरफ प्लस का 1 है, इधर -1, एक्स का -1 और वाई का 7 इसको लेके चलो, जहाँ तक वाई का 7 प्लस वाला है ये आ गया, इसको लेके चलेंगे दोनों यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक्स का हो गया ये -1 और वाई का जमा का 7, ये आपने इसको दर्शा दिया एक्स का -1 और वाई का 7।
आगे x का जीरो y का माइनस 1.25, x का जीरो यानी यही रहेगा और y का माइनस का 1.25। अब ये एक और दो, माइनस के एक और माइनस के दो के बीच में ही कहीं आपके पास माइनस का 1.25 आएगा। वो कैसे आएगा? अब 2.5 क्या है, जैसे 25 दूनी 50, 25 75 75 100, यानी चौथा हिस्सा है एक का। अगर आप इसका चार भागों में बांटें, इन दोनों का आधा करेंगे तो एक और दो के बीच में 1.5 आएगा, एक और 1.5 का आधा करेंगे तो 1.25 आएगा। दोनों माइनस के हैं, ये माइनस क्या आएगा, करके देख लो, करके देख लो। माइनस एक और माइनस दो दोनों को इकट्ठा करके दो से भाग करेंगे, माइनस का 3/2, 3 को 2 से भाग करेंगे तो 3 2 1 2 2 5 10, माइनस का 1.5 आ गया। अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं, माइनस एक और माइनस 1.5 के बीच में करेंगे, इकट्ठा करते हैं, एक में कुछ नहीं है तो बाद में दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे, क्योंकि आपने एक में 1.5 जोड़ना है, एक में जोड़ना है 1.5, दोनों हैं माइनस के। जब कोई दशमलव नहीं है तो अंत में दशमलव हमेशा लगाते हैं और उसके बाद जीरो मान लेंगे। ये हो गया 5.1 और 1 2 माइनस का, ये माइनस का 2.5, इसको 2 से भाग करना है, 2 एकम 2। अब 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा, 1 ऊपर 0 आएगी, 2 पंजे 10, यानी इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा माइनस का 1.25। अर्थात एक और दो का जब आधा करोगे 1.5 आएगा। अब माइनस एक और 1.5 का आधा करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1.25। तो ये बिंदु आपको प्राप्त होता है x का 0 और y का माइनस 1.25। ये किसके ऊपर है, ये है y अक्ष के ऊपर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है, 1 और 3, x का 1 और y का 3, दोनों कहाँ पर जाके मिलते हैं एक दूसरे को, इस बिंदु पे मिलते हैं, x का 1 और y का 3। आगे x का 3 y का माइनस 1, x का 3 और y का माइनस 1, माइनस 1 है ये, यहाँ पर दोनों जा करके जहाँ मिलेंगे ये बिंदु प्राप्त हो गया। बाकी इसको ताकि क्लियरली आपको दिख सके, x का 3 आ गया और y का माइनस 1 आ गया, जहाँ दोनों ने काटा है जिस बिंदु पे उसे गोल अंडा लगाएंगे और लिखेंगे x का 3 और y का माइनस 1, ये आपने दर्शा दिया। चतुर्थांश का बताना है अगर तो वो भी हम बता सकते हैं, देख सकते हैं ये है चतुर्थांश, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ये 1 और 3, एक्स का 1 यानी भुज का 1 और कोटि का 3 प्रथम में हो गया, और -1 7 और -2 8, ये दोनों हो गए द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय में कोई नहीं है, चतुर्थ में 3 और -1 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चनों को दर्शाएंगे। चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम करते हैं 4.1, अभी हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। दो चर कौन से होते हैं? देखिए, आपने अभी निर्देशक ज्यामिति में किया है x अक्ष और y अक्ष, दो अक्ष किए हैं। इससे पहले हमने केवल x अक्ष क्या रखा था, यानी एक रेखा, संख्या रेखा ली थी, संख्या रेखा पर आपने यानी x का मान 1 संख्या रेखा पर दर्शाया था, x का मान 2, x बराबर वर्गमूल 2, x बराबर वर्गमूल 3, इसे आपने संख्या रेखा पर दिखाया था। यहाँ पर केवल एक चर था x, लेकिन जब दो चर आएंगे, एक x को दिखाएगा और दूसरा y को, x जमा y बराबर 1, तो यहाँ पर दो चर हो गए और एक x और दूसरा y, u जमा v बराबर 9, ये u और v यहाँ पर दो चर हो गए। इस प्रकार से ये अलग अलग जो दो पद जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिशाओं को, अलग अलग क्षेत्रफलों को, अलग अलग लेंथ को, ब्रेथ को, लंबाई को, चौड़ाई को जो दर्शाएंगे उन्हें हम चर कहेंगे। अलग अलग यूनिट्स को जो लेके रखे आते हैं,
एक लंबाई को लेके आ रहा है, एक चौड़ाई को लेके आ रहा है, तो इनको हम इकट्ठा करके जब दिखाएंगे तो वो हमारे हमारे चर होंगे और उन्हें हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं और कुछ अन्य विधि भी आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे। तो 4.1 का प्रथम क्वेश्चन आपके पास है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। केवल आपने रैखिक समीकरण लिखना है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। क्या दिया है? नोट बुक की कीमत बराबर है 2 गुना किसकी? कलम की कीमत की। तो मान लेते हैं, माना नोटबुक कीमत अगर हम मान लेते हैं y, तो ये 2 गुना कलम की कीमत मान लेते हैं x। इसको उधर लेके जाएंगे, 2x-y बराबर है 0, अर्थात 2x-y बराबर 0। कब हुआ? जब आपने नोटबुक की कीमत को y मान लिया और कलम की कीमत को x मान लिया, तो ये आपके पास एक समीकरण आएगा जिसमें x आपके पास कीमत है कलम की और y है नोटबुक की कीमत। बस इतना ही करना है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण ये बन गया है, रैखिक जो एक ही रेखा को दर्शाएगा, यानी दोनों में x और y दोनों की शक्तियाँ एक एक होगी, वो होगा रैखिक समीकरण। और जब शक्ति 2 होगी द्विघात समीकरण होगा, उसमें रेखा आना आवश्यक नहीं है, उसमें हमारे पास अलग प्रकार की लाइनें आएंगी, वर्ग भी बन, उसमें सर्कल भी बन सकता है, पैराबोला भी बन सकता है, हाइपरबोला भी बन सकता है, वो बड़ी क्लासेस के कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या रेखाओं को AX+BY+C बराबर 0। सेकेंड क्वेश्चन में हमें AX+BY+C बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2X+3Y बराबर 9.35। पहला क्वेश्चन है ये, 2X+3Y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9.35 के ऊपर डैश बराबर है 0। अभी हमें यहाँ क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसकी हम तुलना करेंगे, ये समीकरण अपने पास आ गया, इसे आप समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लो। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर, करते हैं तुलना, x के आगे वाला कौन है a, x के आगे वाला कौन है 2, y के आगे वाला b, y के आगे वाला 3, प्लस का c है तो यहाँ जगह प्लस का c बराबर है, ये है माइनस का 9.35, तो माइनस का 9.35 बार। जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में है, x का आगे वाला x का कोफिशियंट यहाँ आ जाएगा, एक एक के कोफिशियंट में, दोनों में y के कोफिशियंट की तुलना कर लेंगे, स्थिरांक जो टर्म है उसकी तुलना हम कर लेंगे। इस प्रकार से ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सेकंड पार्ट है इसका, y x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 2 मान लिया, लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर, x के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, x के आगे कौन है यहाँ पर 1 a, y के आगे यहाँ पर है b, y के आगे कौन है यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1/5। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर c है, स्थिरांक है c, यहाँ पर है माइनस का 10। ये आपका दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग क्या कहता है, -2x-3y बराबर है 5। इधर लेके आएंगे, माइनस का 5 बराबर 0, इसकी तुलना करेंगे AX+BY+C बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करते हैं, x के आगे वाला a, x के आगे वाला माइनस का 2, y के आगे वाला b, y के आगे वाला प्लस का 3, और स्थिरांक क्या है c, स्थिरांक क्या है माइनस का 5।
बस यही हमें करना है, इनकी तुलना करनी है। आगे इसका छठा क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या दिया है, 3x जमा 2y 3x जमा 2 बराबर 0। अब इसमें अगर आप देखें 3x है, y नहीं है, तो बनेंगे 0y। जो चीज नहीं है उसको हम 0 से गुणा मान लेंगे, क्योंकि 0 से कोई भी चर को गुणा करें हम या किसी स्थिरांक को गुणा करें वो वैल्यू 0 बन जाती है। तो x के आगे वाला 3, x के आगे वाला a, y के आगे वाला b, y के आगे वाला 0, यहाँ c और यहाँ 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये आंसर है। इसी प्रकार से आठवां भाग है इसका, 5 बराबर है 2x, 5 को बराबर से तो लेके जाएंगे तो माइनस का 5 बराबर रह जाएगा 0, यहाँ पर y नहीं है तो 0y माइनस 5 बराबर 0 मान लेंगे। x के आगे वाला 2 और x के आगे वाला क्या है a, y के आगे वाला 0, यहाँ y के आगे वाला है b, यहाँ स्थिरांक है माइनस का 5, यहाँ स्थिरांक है c, ये आपके पास आंसर आ गया। ये था 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन।